नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। हालांकि विधानसभा चुनाव को अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अररिया की अगर हम बात करें तो यहां के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो सब मैदान में उतर गए हैं और मेहनत करना सबों ने शुरू कर दिया है। आज मेरे साथ फैसल जावेद यासीन है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फैसल जावेद यासीन जो अररिया का मुद्दा चलाते हैं, एक संगठन है इनका और लगातार लोगों के बीच में बने रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनका रहता है। और अभी आप सब जैसे जानते हैं कि बाढ़ का टाइम है, फ्लड आया हुआ है हमारे क्षेत्र में और क्षेत्र का दौरा लगातार फैसल यासीन कर रहे हैं। मैंने इनको कई जगह देखा है जाते हुए, लोगों से मिल रहे हैं। तो फैसल जी, अभी बाढ़ आया हुआ है हमारे क्षेत्र में, क्या स्थिति है हमारे क्षेत्र की? बाढ़ जो निचला इलाका है वहाँ बहुत ज्यादा बाढ़ का पानी है, खेती को काफी क्षति हुआ है और आप देखेंगे हर रोज किसी न किसी का डेथ हो रहा है बाढ़ में, पानी में डूबने से। जाहिर सी बात है कि कुछ क्या खेत नदी के उस पार होता है तो वह तैरने के जाते हैं, कुछ जगह अचानक अनएक्सपेक्टेड पानी पड़ा हुआ है, गड्ढा बन गया है, तो डेली डूबने की घटना हो रही है। तो सरकार को इस ओर जागरूकता के लिए अभी आप कितना परेशान है? अभी जब ऑफ कैमरा हम लोग थे तो आप एनडीआरएफ टीम से बात कर रहे थे, तो कहाँ पे कोई अभी? देखिए एक्चुअली है क्या, लोग डूब कितने मर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज बहुत कम है अररिया में। अगर कोई मरता है तो पता चलता है कि एक रेस्क्यू वहाँ चल रहा है, दूसरा रेस्क्यू यहाँ चलेगा तो और उसके बाद ही काम होगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे एनडीआरएफ टीम का भी ऑर्डर हुआ है और उसको यहाँ से ले जाने में कितना मुशक्कत करना पड़ेगा ये एक बहुत ही आम बात है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसा व्यवस्था बनना चाहिए कि पर्याप्त बाढ़ पूर्व जो तैयारी होती है वो तैयारी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी दिक्कत होता है। और आप देखें कुछ जगह कटान है, कटान ऐसा होता है कि अगर वहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 बजट से काम हो सकता सरकार का, सरकार उसको नहीं कराती है, प्रशासन उसको नहीं कराती है, जब तक वो कटान बढ़ते बढ़ते विकराल रूप लेने ले ले तो ये दिक्कत रहता है। वो सोचते हैं कि जब ज़्यादा विकराल रूप होगा तो उसके बाद जब उसमें करोड़ों का बजट बनेगा, लाखों बजट बनेगा, तो अच्छा खासा कमीशन आएगा। इस कमीशन के लालच में इन लोग, बाढ़ का समस्या है, प्राकृतिक समस्या है, लेकिन कुछ चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सरकार उसको कंट्रोल तब तक नहीं करती है जब तक उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा बजट ना लगे, तो ये समस्या है। मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि विधानसभा चुनाव का हालांकि एक साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन जन स्वराज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार में प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो लगातार दो साल से बिहार के लगभग सभी जिले में जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन पैदल यात्रा जारी रखा है उन्होंने। 4 तारीख को आपने प्रशांत किशोर जी को भी बुला लिया अररिया? प्रशांत किशोर जी को मैं चाहता था वो आए, मैंने नहीं बुलाया, बहुत सारे लोग हैं और वो खुद भी आना चाहते थे, तो हाँ वो हमारे क्षेत्र में आए और उनका काफी अच्छा रिस्पांस किया, हमने उनका स्वागत किया, हमारे लोग काफी संख्या में थे उनका स्वागत करने में। जी बिल्कुल आए थे वो, और गांधी जी का विचारधारा है, उस विचारधारा को हम लाइक करते हैं, इसलिए उनका हम समर्थन करते हैं और वो हम चाहते हैं वो दोबारा आए। प्रशांत किशोर से आपने कई बार मुलाकात की, अब ये मुझे लगता है कि तीसरी मुलाकात होगी आपकी 4 तारीख को? मेरी प्रशांत किशोर जी से 7वीं या 8वीं मुलाकात होगी। अच्छा, और जब भी कई बार मैं गया हूँ, कई बार उनका पद यात्रा देखा है, और जब मैं बात करता हूँ तो मुझे आदमी अच्छे लगते हैं। आप प्रशांत किशोर जी से जुड़ गए, ठीक है, जन स्वराज जो उनका यात्रा चल रहा है उनसे आप जुड़ गए हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, सबसे पहला सवाल यह है कि जन स्वराज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि जनता का एक सुंदर राज बने जी, उस चीज के लिए प्रशांत जी बार बार हर जगह जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं कि जनता को कैसे इस चीज को समझाया जाए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जनता को समझ में आ जाएगा ये बात जी, जब उनको लगेगा कि जनता को जो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के बाद सत्ता परिवर्तन होगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा बहुत चीज अपने हाथ में होगी उनकी, और उनका जैसा वादा है कि टॉप 10 राज्य में बिहार को लाया जाए देश के अंदर, तो उसके लिए काम करेंगे। और उन्होंने मैंने देखा कि उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया है, तो ऑब्वियसली वो कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे।
तो क्या जन स्वराज जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, आगामी विधानसभा चुनाव? हाँ, 243 सीट पे चुनाव वो लड़ेगी, पूरी 243 पे लड़ने, 243 पे लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं होगा। अररिया भी लड़ा जाएगा और पूरा बिहार भी लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या बिहार के लिए वो दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? उन्होंने विदेशों में भी काम किया है और कई राज्यों में काम किया है, कई संगठन को जिताया भी है, और जब वो जिस नियत से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस नियत से वो काम करेंगे काफी अच्छा करेंगे। और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बिहार को टॉप 10 राज्यों में कराना है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो उनकी मेहनत है, कोई मेहनती आदमी, कोई इंटेलिजेंट आदमी ही कुछ बहुत अच्छा बड़ा कर सकता है, और प्रशांत जी वो कर पाएंगे। तो क्या लगता है कि जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग भी राजनीति में आएंगे क्या? देखिए, अच्छे लोग राजनीति में हमेशा आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे लोगों का प्रभाव काफी ज्यादा रहेगा और बुरे लोग जो होंगे वो अपने आप साइड हो जाएंगे जी। अच्छा, एक सवाल और भी है, आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं आप, आने वाले दिनों में बिहार अगर प्रशांत किशोर आते हैं और सरकार बनती है उनकी, तो क्या लगता है आने वाले 10 वर्षों में बिहार टॉप 10 में आ सकता है? अगर संगठन कि सभी लोग अच्छे होंगे जी, तो उसके बाद ही मतलब देखिए, अगर संगठन में मैक्सिमम लोग अच्छे आएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, गांधी जी के विचारधारा पे चलेंगे और लोकल इश्यूज पे बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आ सकता है। आप क्या मानते हैं, जन स्वराज में सभी वर्गों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी? अभी तक का जो संगठन बन रहा है, उस संगठन को आप देखेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट टीम बना, ब्लॉक टीम बना, तो उसमें तो यही दिख रहा है सबको बराबर हिस्सेदारी मिल रहा है उनके आबादी के हिसाब से जी। महिलाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, महिलाओं को क्या उचित हिस्सेदारी मिलेगी? महिला को कहीं भी उनके प्रतिभा के हिसाब से उचित और बेहतर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और जन स्वराज इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए काम भी कर रही है। आपको लेकर के यहाँ की जनता बहुत सारी उम्मीदें करती है और लोगों का डिमांड ये भी है कि आप विधानसभा चुनाव लड़े, कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो लेकिन आप लड़े। तो आपने लोगों से मुलाकात की जो आपके समर्थक हैं, उन लोगों के साथ आपने बैठक भी किया था जो हमें जानकारी है, फिर आपने विचार किया कि हमें जन स्वराज में ज्वाइनिंग करनी चाहिए, तो जन स्वराज ही आपने क्यों चुना? देखिए, जन स्वराज एक नई पार्टी है, एक नया विचारधारा है। मेरे पास 3 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था मैं जदयू में जाकर पेंडुलम बन जाऊं, कभी कोई विचारधारा नहीं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी मतलब कि भाजपा के साथ, कभी गौडसे के साथ, कभी गांधी के साथ घूमता रहूं, तो वो तो मैं कभी चुन नहीं सकता। ना मेरी राजनीति को बताती है, ना मेरा मतलब ईमान वो बताता है कि मैं इस तरह से करूँ। दूसरा था कांग्रेस के साथ चले जाऊँ, तो ये जाहिर सी बात है कांग्रेस टिकट उसी को देगी। आपके जो दादा है, दादा के जमाने से आप लोग कांग्रेसी रहे? जी, कांग्रेसी में अभी भी हूँ। जो आजादी से पहले का कांग्रेस था या आजादी के बाद का जस्ट बात था, नेहरू गांधी का जो कांग्रेस है वो कांग्रेसी में अभी भी हूँ। नेहरू गांधी वाला कांग्रेसी मैं अभी भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन करने का जो बेसिक शर्त है कि आपके मुंह में जवान नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, तो जाहिर सी बात है मुझे एक ऐसा नेता बनना पड़ेगा जो जनता के लिए बोल ना सके, जनता के लिए लड़ ना सके, जनता के लिए देख ना सके, जनता के लिए चल ना सके। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें तीसरा विकल्प था प्रशांत जी का, और मैं देख रहा हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी और ये यही आइडियोलॉजी इनकी है, इससे बेहतर है जहाँ हमें मौका मिल रहा है बोलने का, चलने का, कुछ करने का और आगे लड़ने का भी, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं वहां जाऊंगा। आपको क्यों अलग लगा प्रशांत किशोर जी का ये जो जन स्वराज है? देखिए, इनका जो कार्य शैली है आप देखेंगे तो ये जो है, हम लोगों से मिलते हैं। आपने देखा होगा अररिया का मुद्दा जो है, जो हमारी टीम जो है लोगों से मिलती थी अररिया लेवल पे, और इस हमारा जो था मतलब कि जो यूथ क्लब है गांव-गांव में जो हमने बनाया था, आज कुछ सक्सेस हुआ, कुछ अनसक्सेस हुआ, तो जो काम किया, जो हमने प्रयास किया, उनका भी ये देख रहा हूँ कि बिहार लेवल पे इनका प्रयास है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेम प्रयास, सेम आइडियोलॉजी मिल रहा है तो आना चाहिए। अभी आप देखिएगा बिहार में सबके सब सत्ताधारी पार्टी माने जाएंगे। नीतीश कुमार जी का एक सत्ता का झूला है जिसपे कांग्रेस बैठती है, आरजेडी बैठती है, बीजेपी बैठती है, और उसके बाद फिर जब मन होता है नीतीश कुमार सबको उतार भी देते हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे तेजस्वी जी का जो बयान देखेंगे, उनका भी इशारा होता है कि चाचा हम आने को तैयार है। तो ऐसे में तो ये तो सत्ता, इसमें सत्ता में
एक पक्ष चाहिए, सरकार चाहिए और उसका विपक्ष भी चाहिए। तो बिहार में तो ना तो सरकार ईमानदार दिख रही है ना विपक्ष ईमानदार दिख रही है, तो ऐसे में जनता भी समझ रही है कि कोई तीसरा विकल्प होना चाहिए। यही है पूर्णिया में जो एमपी चुनाव में या अभी उपचुनाव में जो जनादेश मिला है, तो ये तो क्लियर अस्वीकार करता है, निर्दलीय आते हैं तो क्लियर नकार रहे हैं लोग, पार्टी को नकार रहे हैं, क्लियर ये मतलब की आदेश दे रहे हैं कि भैया हमें तीसरा विकल्प चाहिए चाहिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि वो भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं, इस चीज से लगता है कि आपको इसको लोगों को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए जैसे आप देख लेंगे अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम, अवेशी जी भाजपा की बी टीम, पप्पू यादव जी का जब जन अधिकार पार्टी था उसे भाजपा की बी टीम कहा जाता है, और कुछ पार्टी और बनती है तो उसको कांग्रेस का बी टीम कहा जाता है। जो हैदर यासीन सब अररिया चुनाव लड़ते हैं तो इस बेस पे एक ईमानदार नेता को इस बेस पे मतलब कि वोट नहीं देने दिया जाता है, पब्लिक को बरगलाया जाता है कि वो भाजपा की बी टीम से चुनाव लड़े हैं, मतलब कि पप्पू यादव की टीम से लड़े हैं। आज देखेंगे कि वही लोग पप्पू यादव के लिए, हम लोग पप्पू यादव के लिए दीवाना है, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि देखिए कांग्रेस भाजपा ये दोनों पार्टी, कोई भी नई पार्टी आएगी, कोई भी अच्छे लोग आएंगे तो वो चाहते हैं कि तीसरा कोई ना आए तो ये बी टीम का घोषणा करेंगे। और मेरा भी ये संदेश है कांग्रेस प्लस और एनडीए प्लस, मतलब मेरा भी संदेश है भाजपा प्लस और कांग्रेस प्लस जो अलायंसेज है ये सब ए पार्टी है, बाकी जो है अब सारे के सारे बी पार्टी है। तो अब ए पार्टी को बहुत मौका मिल चुका है, अब बी पार्टी को मौका मिलेगा और ए पार्टी का सफाई होना जरूरी है। क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहेगा अगर विधानसभा में 243 सीटों पर अगर जन स्वराज लड़ती है तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्या लगता है कि सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? देखिए मैं सीमांचल की राजनीति को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, अगर इस पर अपने सवाल करो बता सकता हूँ तो मुझे लग रहा है कि सीमांचल में काफी सीट आएंगी और अररिया विधानसभा हो, आस पास की विधानसभा हो जो भी है उसमें जन स्वराज काफी बड़े बहुमत से सीट लाएगी। सीमांचल क्षेत्र जो है हमारा, जैसा कि हमने पहले बात किया कि बाढ़ प्रभावित एरिया है हमारा, है ना, हर साल बाढ़ आती है, लोगों के फसल, लोगों के घर, मतलब सब कुछ को तबाह बर्बाद करके चली जाती है। और चुनाव में हमने कई न्यूज ऐसे कवर किए और देखा भी है कि महानंदा बेसिन डैम जो बनने वाला था प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के जो भी नेता आते हैं पहले यहाँ पर प्लान करते हैं कि किस मुद्दे पर हम बात करेंगे, तो महानंदा बेसिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि महानंदा बेसिन बनना कितनी जरूरी है और आप क्या मानते हैं इस चीज? देखिये नदी को बांधना गहरा करना बहुत जरूरी है, बस यूं ही कहीं मिट्टी का टीला ला के रख देने से बाढ़ से समाधान नहीं होगा। अभी जहां तक खबर आ रही है नदी के आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर उधर आप मतलब बांध बनाना चाह रहे हैं, तो लेकिन ये तो सिंचाई परियोजना था ना, सिर्फ ये बांध रोको परियोजना नहीं था। सरकार को इस पे दोबारा विचार करना होगा और इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छा करना होगा, क्योंकि खेती योग्य भूमि बहुत ज्यादा जा रहे हैं और जो नदी की खुदाई करनी है पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं और दोनों तरफ मतलब बांध मानना चाह रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हाँ आप नदी की खुदाई करें और जहां जरूरत है आप बांध माने, नदी के आधा किलोमीटर इधर और उधर, ये जो है एक तरफ मजाक लग रहा है, खेती योग्य भूमि बहुत ज्यादा जाएगा। अररिया में अगर आप प्रत्याशी होते हैं जन स्वराज से तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी से वादा लूंगा कि जिस तरह आप बिहार को टॉप 10 स्टेट में लाना चाहते हैं और अररिया को, क्या हम आपके यहाँ पे वादा कर सकते हैं कि बिहार का टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में अररिया आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि बिहार में पिछड़े जिलों में नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से जो यहाँ के विकास पुरुष कहलाते हैं, सुशासन बाबू जो इनके पार्टी के लोग इनको कहते हैं, तो उन सुशासन बाबू ने बिहार को नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से, हमारी रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है, सबसे पिछड़ा जिला है अररिया। अगर आप प्रशांत किशोर के टीम से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं आबिदुर रहमान कांग्रेस से विधायक है, बहुत मजबूत विधायक हैं, उनको पराजित कर देना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है आप लोगों के सामने?
देखिए अभी तक तो लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। उनको हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अररिया के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े चट्टानों से भी अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ा जाएगा और लड़के उन्हें हराया जाएगा। और उन्होंने जो जनता के लिए बोली क्या नहीं और उन्होंने देखा नहीं सिंह आके, तो इसके विरुद्ध भी एक जन आक्रोश है। इस आक्रोश को सही दिशा देकर उनको अररिया से के सत्ता से या कहिए कि अररिया की विधानसभा से आराम दिया जाएगा। और इस आराम दिलाने में हम जनता की सहयोग लेंगे। हम लोग चाहेंगे आप इच्छा भी आराम करें और हम लोग चाहते हैं कि अररिया का विकास करें, तो दूसरी बात है। और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो इनका भी सहयोग लेंगे, इनका भी एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, उनको भी दिखाएंगे सच्चा ऐसा काम होता है, तो ये उम्मीद हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करें। फैसल यासीन से हमारी बात हुई, कई सारे हमने सवाल किए हैं और आने वाले दिनों में अगर इनको प्रत्याशी बनाया जाता है जन स्वराज से तो इन्होंने काफी सारे वादे किए हैं और काफी सारे मुद्दों पर इन्होंने चर्चाएं की है कि उस पर हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। देखना यह होगा कि अभी एक साल से ज्यादा का वक्त विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है और जन स्वराज से जो है काफी सारे चेहरे हैं जिनको लगता है कि हमें प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो आने वाले दिनों में देखना जरूर यह दिलचस्प रहेगा कि जन स्वराज यहाँ से किस चेहरे पर अपना दाव लगाती है।